ठीक देखो सबसे पहली बात क्या है, ये जो हम लोगों ने जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, ये आज हमारे रविंद्र जी स्टूडेंट हैं, इनका मतलब कोर्स कंप्लीट हो गया है और आज ये अपने घर जाने वाले हैं। और इनको समथिंग मेरे पास 3 महीना हो गया, इन्होंने पूरा मोबाइल फ़ोन लैपटॉप का पूरा कंप्लीट कोर्स किया है और 3 महीने पूरा दिन क्लास किया है, यहीं पर रहते थे और बीच में फेस्टिवल पड़ा तो भी मतलब घर गए फिर वापस आए, लेकिन उन्होंने पूरा रह करके यहीं पर पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट कोर्स किया है। इनके बारे में मैं सबसे पहली बात कहना चाहूँगा कि रविंद्र जी पूरा दिन क्लास करते थे, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक क्लास करते थे, और क्लास करने के साथ साथ जो भी पूरा प्रैक्टिकली नॉलेज है, एक एक करके सीखना, मोबाइल फ़ोन बनाना, लैपटॉप बनाना, या जो भी सारे रिपेयरिंग के काम है, यहाँ तक कि अगर मार्केट से कोई सामान लाना होता तो भी मार्केट जाते थे, सामान लाते थे, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप उस डिवाइस को बनाते थे, अच्छी तरीके से उसको काम करके देते थे। तो मेरी तरफ से ये है कि ये अच्छी तरीके से जाएँ, सफलतापूर्वक काम करें, और इनको अगर कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आती है तो ईटेक इंस्टीट्यूट इनकी हमेशा मदद करेगा, हमेशा हेल्प करेगा ताकि ये लाइफ में अच्छी तरीके से आगे काम कर सके, आगे बढ़ सके। और सबसे पहली बात क्या है कि मेरा आप लोगों से एक ये मैसेज देना है कि अगर आप देखेंगे इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी इस लाइन में जॉब कर रहे हैं। रविंद्र जी का सबसे पहली बात क्या है, इनसे कम से कम मेरी बात ट्रेनिंग लेने से पहले कम से कम 1 साल 1.5 साल मेरी बात होती रही हाँ है, सर, 1 1.5 साल से मेरी इनसे लगातार बात होती रही है कि सर हम 1 साल बाद आएंगे, 6 महीने बाद आएंगे, 3 महीने बाद, जैसे टाइम पीरियड कम होता गया, क्योंकि इन्होंने 1.5 साल मतलब बात करते करते इसलिए बात हो गई क्योंकि इन्होंने पहले जॉब करते थे, ये ऑलरेडी मतलब जॉब करते थे, और जॉब करने के बाद कहते नहीं आदमी समय, एक समय ऐसा होता है जिस समय टाइम पीरियड तक जॉब करता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, लेकिन उन्होंने पहले जो समझ लीजिए मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स सीखने से पहले इन्होंने जॉब करते रहे और जॉब करने के दौरान अपने छोटे भाई को मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सिखाया, छोटे भाई को मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सिखाया, अपने पैसों से अपना पैसा कमाया, लेकिन भाई को पैसा दिया कि जाओ तुम तो मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीखो, वो मेरे यहाँ से तो नहीं सीखा, कहीं और जगह से सीखा, लेकिन उनको काम सिखाया, लेकिन दुकान खुलवाई, दुकान अच्छी खासी चल रही है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो रिपेयरिंग के नाम पर अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे। फिर इन्होंने सोचा कि यार 2 3 साल हो गया, जब यार ये कुछ नहीं कर पाता तब भी इतना काम कर लेता है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ फिर भी बाहर हूँ, तो इससे बेहतर है क्यों ना यार मैं भी सीख जाऊँ, मैं भी सीखने के बाद या तो इन्हीं के साथ में काम कर लूंगा या तो फिर कहीं अपना अलग काम कर लूंगा, तो दोनों लोगों का काम हो जाएगा और अच्छी तरीके से काम होगा। तो इन्होंने ये 1 साल 1.5 साल से प्लान बना करके मोबाइल फोन लैपटॉप, इन्होंने बोला कि सर मुझे मोबाइल फोन लैपटॉप दोनों कंप्लीट काम सीखना है, मुझे अच्छी तरीके से इसी बिजनेस की लाइन में उतरना है, अब हमको नौकरी नहीं करना ताकि हम अच्छी तरीके से काम कर पाए और हमको कभी जिंदगी में पीछे का मुंह देखना ना पड़े। और सबसे पहली बात क्या है, आदमी अगर सफल तभी होता है जब उसका कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, क्या होता है प्लेटफॉर्म होता है, तो अच्छा प्लेटफॉर्म होने का मतलब ये रहता है कि उसका खुद का कुछ ऐसा काम होना चाहिए जो ये कह सके कि हमारा खुद का है और उसके माध्यम से वो अच्छी तरीके से एक अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकता है और अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकता है। उसका एक फिक्स ये है कि हमको भाई अब यहाँ पर जाना है, ये काम करना है और जितना भी सारा काम करना है सब हमारे लिए, इसलिए सब हमारे लिए, ऐसा क्वालिटी इंसान के अंदर तब आती है जब आदमी अपने अंदर एक कोई अपने अंदर कोई क्वालिटी जनरेट कर लेता है, एक अपने अंदर हुनर जनरेट कर लेता है, तब ऐसा कुछ काम कर सकता है, क्योंकि फील्ड में काम करने के लिए, मार्केट में काम करने के लिए, समाज में काम करने के लिए या अपना काम करने के लिए, ये समझ लीजिए अगर आपको बिजनेस के लाइन में अगर सफल होना है तो आपके अंदर कुछ ऐसा गट्स होना चाहिए जो आप ही कर सको, दूसरा ना कर सके, अगर दूसरे करने वाले हों लेकिन वो आपसे बेहतर ना हो या कर रहे हो तो उसमें से उनकी संख्या कम हो, कि आप भी उसमें गिने जाओगे भाई चलो ठीक है अब ये सर अपने एरिया में काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे क्योंकि उन्होंने पूरा कंप्लीट सीखा है, समझ लीजिए जो मोबाइल फोन इनका भाई 2 3 साल हो गया काम करते करते वो भी नहीं कर पाता था, तो इन्होंने अनलॉक टूल लिया और उस मोबाइल फोन को अपने यहाँ पर जा करके रिपेयर किया, लॉक खोला, 200 300 400 500 का काम किया, अच्छा काम हुआ, अब उसके बाद आज इनका पूरा सफलता पूरा पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है, अभी अपने घर जाएंगे, अपना अच्छी तरीके से काम करेंगे और ये इनको ईटेक इंस्टीट्यूट की तरफ से इनको सर्टिफिकेट मिलेगा, ये इनको मोबाइल फोन का सर्टिफिकेट है, अब इनको दूसरा सर्टिफिकेट एक और मिलेगा जो लैपटॉप का सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, क्योंकि लैपटॉप का पहले इन्होंने मोबाइल फोन का कोर्स कंप्लीट किया 45 डेज में, फिर इन्होंने 45 डेज में अपना लैपटॉप रिपेयरिंग का भी कोर्स कंप्लीट किया। तो रविंद्र जी आप अपने बारे में बताइए, कितना टाइम हो गया आपको जॉब करते करते, क्या काम करते थे इससे पहले और इस लाइन में आए,
और हमारा एक एक्सपीरियंस बताइए ताकि आपको यहाँ पर कैसा सीखने को मिला, कैसा माहौल मिला है, कैसे सारे हमारे जितने सारे स्टूडेंट्स हैं ये आपको कैसे मिले, जिस तरीके से आप अच्छी तरीके से ट्रेंड हो पाए, अच्छी तरीके से आगे काम करेंगे और आप अच्छे तरीके से सफल हो, बताइए सर अपने बारे में। मैं सर 2007 से जॉब कर रहा हूँ। काफ़ी समय हो गया जॉब करते करते, परंतु कोई रेस्पॉन्स, कोई आगे स्टेबिलिटी नहीं मिली मुझे अभी तक। वही काम करना, वही 8 घंटे की ड्यूटी, उसके बाद पूरे 24 घंटे अपने घर से बाहर रहना। घर पे कोई भी समस्या है तो उस समय समय नहीं पहुंच पाते कभी भी, कई कारण। बस कई सालों से सोच रहा था कि मैं खुद अपना काम करूं। सोचते सोचते काफ़ी टाइम, तकरीबन से ये समझ लो मैं 2013 या 2014 सोच रहा हूँ कि मैं अपना काम करूँ। जब जाके 2023 में जाके कन्फर्म हुआ कि आज मैं अपना काम करने की पूरी फिराक में हूँ, वो पूरा काम स्टार्ट कर दिया घर पे। छोटे भाई को सिखाया पहले, उसको वो काम कर रहा है, अब मैं भी करना चाहता हूँ। और भाई क्या, थोड़ा मोबाइल का रिपेयरिंग में थोड़ा क्या है, आईसी लेवल में थोड़ा वीक था, तो वो काम क्या हमें कई लोगों पे बाहर जाके करवाने पड़ते थे। तो उसमें क्या है, पैसा भी नहीं, और इधर क्या है, कस्टमर भी काफ़ी दिनों परेशान रहता था। तो इस वजह से आईसी लेवल का ये काम भी सीखा और साथ साथ में लैपटॉप का भी सीखा, क्योंकि हमारे एरिया में लैपटॉप की अभी तक कोई भी दुकान नहीं है। किसी भी कस्टमर को कोई भी परेशानी होती है, वो सीधा 54 किलोमीटर दूर आगरा जाएगा, जब वो ठीक करेगा वो 2 दिन का टाइम लेगा। इससे कस्टमर भी परेशान, मैं चाहता हूँ कि हमारे आसपास के जितने भी गाँव के जो लोग हैं वो मेरे से जुड़ें और अपना काम करवाएं, और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियाँ ना उठानी पड़े। और सर आप एक बार इस स्टूडियो में आइए, एक बार डेमो लीजिए, सर का पढ़ाने का जो अंदाज़ है वो आपको काफ़ी इंस्टीट्यूट से बेहतर मिलेगा। यहाँ जो भी क्लासें मिलेंगी आपको प्रैक्टिकल मिलेंगी, कई जगह आपको समझा दिया जाएगा, बस प्रैक्टिकल नहीं होगा, जिससे कि आपके अंदर विश्वास नहीं जागृत होगा कि आप उस काम को कर सकते हैं। तो इसलिए जहाँ जाइए, कहीं भी जाइए, ऐसी जगह जाइए जहाँ प्रैक्टिकल पहले हो। प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके अंदर डर रहेगा, जब तक आप उस फील्ड में महारत हासिल नहीं कर सकते कभी भी। बिल्कुल सही बात है कि जब तक आपको अगर इस लाइन में कभी ना डर रहता है तो आप कभी भी इस लाइन में महारत हासिल नहीं कर सकते और अच्छी तरीके काम करना चाहिए। दूसरी बात क्या है, और यहाँ डर फोक की बात रही, अगर मेरे पास जितने भी सारे लोग होते हैं जो मार्केट से मोबाइल फोन रिपेयर कराने के लिए आते हैं, या मार्केट से भी बहुत ऐसे लोग होते हैं जो हमारे जानने वाले हैं, नहीं जानने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, या बहुत ऐसे लोग हैं जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग की अपनी दुकानें चला रहे हैं, हम लोग उनकी दुकानों में पर्सनल खुद जाते हैं, संडे को जब फ्री होते हैं, किसी भी दिन जब हम फ्री होते हैं तो उनकी दुकानों में जाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं, उनको जागरूक करते हैं कि मोबाइल फोन रिपेयरिंग एक्चुअल होता क्या है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो सर मोबाइल फोन में से तांबो डाल दिया, मोबाइल फोन में बैटरी डाल दिया, मोबाइल फोन में यूआई डाल दिया, पत्ता डाल दिया, बस कहते हैं मोबाइल फोन नहीं ठीक हुआ तो फेंक दिया फोन, वो भी बेकार है, या मोबाइल फोन में कोई लॉक लग गया, यूट्यूब में वीडियो देख लिया, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फेंक दिया मोबाइल फोन को, कहीं और जाके करा लो, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों को हम जागरूक करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ पर आएं और अपने मोबाइल फोन को ठीक कराएं, फ्री में मोबाइल फोन रिपेयर कराएं, उसका कोई पैसा कोई चार्जेस नहीं लगेगा। यहाँ तक कि अगर कोई मोबाइल फोन रिपेयर कराने आता है और उसका मोबाइल फोन के अंदर कोई नुकसान हो जाता है तो भी नुकसान को मैं भरपाई अपने जेब से करने को तैयार हूँ। मैं इसीलिए करने को तैयार हूँ कि हमारा बच्चा अच्छी तरीके से सीख जाए, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट को लाइव प्रैक्टिकल देना चाहते हैं। लाइव प्रैक्टिकल का मतलब होता है रियलिटी, जो मार्केट में मोबाइल फोन आता है कि इस तरीके से कस्टमर आता है और हमारे पास मोबाइल फोन रख देता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है ठीक कर दीजिए, तो उन प्रॉब्लम को हम अपने पास इसलिए फेस करने के लिए बुलाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आए, ज्यादा से ज्यादा हमारे स्टूडेंट लोग मोबाइल फोन को रिपेयर करें। उसमें से एक मोबाइल फोन अगर रिपेयर होता है तो बैच के से जितने 4 लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं, 2 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं, सभी लोग मिल करके मोबाइल फोन को रिपेयर करते हैं। तो मिल करके मोबाइल फोन रिपेयर करने में क्या होता है कि सभी को सीखने को मिलता है और एक अच्छा हौसला अफजाई होती है कि चलिए ठीक है हमारे पास ये मोबाइल फोन है, हमने काम करके दे दिया। इसके दौरान अगर हमारे स्टूडेंट अगर कोई छोटा मोटा नुकसान भी हो जाता है, कोई चीज खराब हो जाती है, तो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उस चीज को मैनेज करता है ताकि हमारा बच्चा कभी इस चीज को लेकर के ना घबराए कि भाई ये मोबाइल फोन ठीक नहीं हुआ, ठीक होने पर खराब हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज है जब उस पर हाथ डाला जाता है तो बनती भी है बिगड़ती भी है, और जब नया नया आदमी होता है तो बनती है बिगड़ती दोनों सवाल होते हैं, मतलब 50-50 का रेशियो होता है। मैं चाहता हूं कि अगर हमारा स्टूडेंट कोई भी 10 मोबाइल फोन देता हूं, अगर 10 में से 5 मोबाइल फोन अगर बनाता है, 5 खराब कर देता है, तब भी कोई टेंशन देने वाली बात नहीं है, सिर्फ मैं ये देखना चाहता हूं कि उसके हाथ से मोबाइल फोन बनना चाहिए, क्योंकि जो आदमी मोबाइल फोन को सिर्फ चलाने का काम जानता था और आज अगर वो एक भी मोबाइल फोन बना रहा है तो जाहिर सी बात है कल वो 2 भी बनाएगा, फिर 3 भी बनेंगे, फिर 5 भी बनेंगे, फिर 10 बनेंगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि सारे मोबाइल फोन बनेंगे।
आज मैं कहना चाहता हूँ कि वीडियो के माध्यम से कि हमारे आज बहुत 6 6 महीने 1 1 साल पुराने स्टूडेंट हैं जो आज लोग सीख रहे हैं, कभी भी उन्होंने दोबारा कभी ऐसी प्रॉब्लम के लिए कभी फोन नहीं करते कि सर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है आप हमको बता दीजिए, या कोई ऐसी दिक्कत आती है तो हमारा ग्रुप बना है उसमें से पूछते हैं। अब पूछने के साथ साथ जितने भी सारे ग्रुप में सारे स्टूडेंट लोग जुड़े हैं तो सब लोग जो जूनियर हैं सीनियर हैं जिसके पास जितनी नॉलेज है जिसने जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रखा है तो वो ग्रुप में एक दूसरे को एक्सपीरियंस अपना शेयर करता है कि जैसे किसी ने डाला कि मान लिया मेरे मोबाइल फोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम है ठीक नहीं हो रही है, तो ठीक ना होने के बाद मैं उसको खुद पर्सनली अगर मैं कॉल करके जब मैं फ्री हुआ तो मैं उसको बता दिया, लेकिन हमारे ग्रुप में जितने भी सारे जो स्टूडेंट है जिस बच्चे को उस नॉलेज है तो वो नॉलेज अपने शेयर करता है। जो शेयर करता है इसलिए शेयर करता है क्योंकि हम लोग रिपेयरिंग के लाइन में जुड़े हुए हैं, और जो लोग ऐसे हैं जो लोग दुकान पे बैठे हैं जो स्टूडेंट दुकान पे काम कर रहे हैं, एक तो वो लोग होते हैं जो अपना घर पे काम कर रहे हैं या अपना ऐसे ही काम कर रहे हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है जब ग्रुप में शेयर करी जाती है तो उसमें से और भी जो 100 लोग जुड़े हैं तो उनको पास हो सकता है वो प्रॉब्लम ऑलरेडी पहले से आई हो, जब पहले से प्रॉब्लम आई हो तो उसने से उस चीज को ठीक कर रखा है, तो ठीक करने के बाद वो अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करेगा। क्योंकि मोबाइल फोन में अगर कोई भी फॉल्ट आते हैं तो ये बात समझ लीजिए कि ऐसे फॉल्ट एक ही बार नहीं आते हैं, वो रिपीट कई बार आते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास है मोबाइल फोन, इसमें माइक नहीं काम कर रहा था, इसका ये वाला रजिस्टर खराब हो जाता था, माइक बंद हो जाता है, अब उस मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आ रही है तो उस तरीके से और भी बहुत ऐसे मोबाइल फोन आते हैं। जैसे मान लिया रेडमी का 5 मोबाइल फोन आता है उसमें कुछ दिन व्हाट्सएप चलता है, फिर व्हाट्सएप चलना बंद हो जाता है, तो खाली रेडमी 5 पे भी एक ही में नहीं आई है, उसमें से और भी 10 तरीके के मोबाइल फोन होंगे उसमें भी वो प्रॉब्लम है, क्योंकि उस चीज का टेक्निकल इशू होता है, जब टेक्निकल इशू होता तो खाली एक ही में नहीं आता बाकी और भी 10 चीजों में प्रॉब्लम आती है। अगर सैमसंग के मोबाइल फोन में गिरने की वजह से चलते चलते हीट होते ही हैंग लोगों की शिकायत आती है, तो ऐसा नहीं खाली एक ही सैमसंग M31S में ही आई है, और भी जितने सैमसंग के मोबाइल फोन चलाए जा रहे हैं जिसमें से ऐसा प्रोसेस किया गया है तो उसमें सब में प्रॉब्लम आती है। तो जब प्रॉब्लम आती है तो सारे स्टूडेंट एक दूसरे को शेयर करते हैं, प्रॉब्लम को रिपीट करते हैं, उसको काम करते हैं, जिसमें से काम हो जाता है, सक्सेसफुली काम हो जाता है। दूसरी बात क्या होता है, हम जितने भी सारे रिपेयरिंग करने वाले होते हैं अगर एक दूसरे को जब रिपेयरिंग के अपने विचार एक दूसरे को व्यक्त करते हैं तो हो सकता है कि कभी कभी रिपेयरिंग करते समय उसको वो बात न समझ में आ रही हो या किसी कारणवश उसने वो चीज को न चेक किया हो तो सामने वाला अपना ओपिनियन शेयर कर देता है। क्योंकि ओपिनियन देने का मतलब क्या होता है कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे खास बहुत अच्छी बात है कि किसी के पास कुछ हो या ना हो लेकिन सलाह तो सभी के पास है, तो जब रिपेयरिंग करने वाले लोग हैं तो कोई ऐसा थोड़ी ना देता है किसी का मोबाइल फोन का काम वो खराब है तो बोलेगा उसमें छेद कर देना, वो बोलेगा नहीं डालो, तो ये सब ओपिनियन देते हैं। तो इसी तरीके से क्या है कि सब लोग जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो उस एक्सपीरियंस के साथ में और भी 10 लोगों की नॉलेज बढ़ती है, क्योंकि हमारा काम ही है हमारी नॉलेज को बूस्ट करना। क्योंकि जिंदगी में एक बात समझ लीजिए, कभी भी कोई भी काम आदमी कभी जिंदगी में एक इंसान से नहीं सीखता, वो उस चीज को सीखने के लिए जितने भी सारे 10 लोग जुड़े हैं, चाहे अपना दोस्त हो, भाई हो, फ्रेंड हो, यूट्यूब हो, गूगल हो या सर हो, सभी से मिल करके सीखता है। क्योंकि कभी तो कुछ चीजें ऐसे भी होती है क्लास में, मैंने जैसे टॉपिक आपको पढ़ाया हो सकता है आपको कम समझ में आया हो, लेकिन आप अपने पास में बैठे हो दोस्त, उससे आपने जब शेयर किया तो उसने आपको हो सकता है कोई ऐसा आपने एग्जाम्पल समझा दिया कि जो और अच्छे से समझ में आ गया। तो एक दूसरे को नॉलेज ऐसी चीज होती है जो एक दूसरे को शेयर करने से बढ़ती है और करते भी रहना चाहिए। हम सभी जितने सारे टेक्नीशियन हैं एक दूसरे के लिए, तो सबसे पहली बात यही बात है कि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, कभी कोई प्रॉब्लम आती है कोई दिक्कत आती है तो एक दूसरे को बताएं कि नहीं ये कर लीजिए ऐसा चेक कर लीजिए ऐसा चेक कर लीजिए, और जब एक दूसरे को करते रहेंगे तो करते करते खुद की भी नॉलेज बूस्ट होती है, सामने वाले की भी नॉलेज बूस्ट होती है। और जब आप रिपेयरिंग के लाइन से जुड़े हैं तो एक बात ध्यान रखिए, आप डेली का डेली अपडेट होते रहिए। अपडेट होने का मतलब जो भी नई नई चीज़ें आती रहे हैं उन नई नई चीज़ों के बारे में आप देखते रहें, उन पर एक्सपेरिमेंट करते रहें, काम करते रहें, ताकि आपको नई नई चीज़ों के बारे में आपको सीखने को मिलता रहेगा और आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी बात क्या, मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा ताकि आपके पास जो भी कस्टमर मोबाइल फोन रिपेयरिंग कराने के लिए आएगा तो आप उसमें जेन्युइन चार्ज लीजिए, मतलब एक वाकई में जो उसका चार्ज होता है वो चार्ज लीजिए, कभी कस्टमर के साथ में चीटिंग मत करिए, अच्छे के साथ में काम करिए, एक विश्वास के साथ में काम करिए, ताकि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन जब आता है ठीक होने के लिए दे जाता है तो बड़ा विश्वास के साथ में दे जाता है कि मेरे 10 हज़ार का फोन है ठीक हो जाएगा। और जब कहीं पर ये बात जाती है कोई दूसरे के पास जाता है वो कहता है इतने इस बंदे ने सामान को निकाल लिया तो बड़ा गलत मैसेज जाता है, एक हमारे लिए बड़ा अविश्वास प्रकट होता है कि इन्होंने ऐसा काम कर दिया। अब अगर मेरे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है मैं किसी दुकान पर जाता हूँ कि तुम्हारा मोबाइल फोन खराब हो मेरे पास आना ठीक हो जाएगा,
हो सकता है ना ठीक हुआ, हमने पहले से भी ज्यादा खराब कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो अगली बार के लिए गलत मैसेज करेगा। अगर कोई हमसे खराब हो जाता है तो हम उसका नुकसान भरने के भी हकदार हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे विश्वास के साथ में आया हुआ है। तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि अपने कस्टमर के साथ में एक अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, या जो भी आपको मोबाइल फोन दे आप उसका मोबाइल फोन को अच्छी तरीके ठीक करके दें, उसमें से जो भी खर्चा है उस खर्चे को उसको पास करें और अच्छी तरीके से काम करके दें। रिपेयरिंग के लाइन में एक बात और रहती है कि जब हम किसी चीज को ठीक करके दे देते हैं तो हो सकता है कि ठीक करने के 1 दिन 2 दिन बाद उसमें कोई टेक्निकल इशू आ जाता है। जैसे मान लिया आपने मोबाइल फोन को पूरा फोन को बंद कर दिया, अब बंद करने के बाद वो कस्टमर चेक करके फोन ले गया, काम को डाल दिया, मोबाइल फोन ले गया, और उसके आपने मोबाइल फोन में पावर आईसी डाल दी, फोन चालू हो गया, ले गया, लेकिन 2 दिन बाद कहता है यार भैया उसमें तो यार वो माइक नहीं चल रहा है, उस मोबाइल फोन में वाईफाई नहीं चल रहा है। अब ऐसा छोटा सा कारण हो जाता है। कई बार ऐसा भी कस्टमर शिकायत लेकर के आता है कि भैया जब घर के अंदर जाते हैं तो टावर नहीं आते, बाहर आओ तो टावर आ जाते, पहले आते थे अब नहीं आ रहे। तो ऐसा कोई इशू आ जाता है तो आप उसको गलत मैसेज ना करें और आप उसको ये बोलें कि भाई आपका मोबाइल फोन लाओ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। क्योंकि ऐसा तब भी हो जाता है कि जब मोबाइल फोन को पैक करते हैं तो हो सकता है आपका किसी चीज़ का एंटीना ना सही से लगे, या एंटीना लग गया हो तो लूज रह गया हो, या उसमें कार्बन आ गया हो, या कुछ भी ऐसा शिकायत रह जाता है, जिस कारण से अगर हम उस खोल करके देखते हैं तो टेक्निकली इशू हमारा ठीक हो जाता है और कस्टमर भी हैप्पी हो जाता है और कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं रहती। तो आप अपने किसी किसी कस्टमर को अगर 2-3 दिन बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम को उसी प्रॉब्लम को या उससे संबंधित कोई दूसरी प्रॉब्लम को आपके पास लेकर के आता है तो उस प्रॉब्लम को चेक करें। अगर उस प्रॉब्लम में कोई टेक्निकली वो ऐसे ऐसा ही है तो आप उसको करके दें और उसका कोई पैसा कोई चार्जेस ना लें। ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उस फोन को जब तुमने ठीक किया है तो जाहिर सी बात है वो कस्टमर तुमको ही दिखाएगा, दूसरे को नहीं दिखाएगा जाकर के। जब वो 10 किलोमीटर छोड़ करके तुमको मोबाइल फोन दिखाने आ गया है तो तो अगर अभी एक दो जो दिन बाद खराब हो जाएगा तो भी तुमको ही दिखाएगा करके। तो तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुमको देखना चाहिए, जैसे तुमने पहले दिन देखा था वैसे तुमको आज भी देखना चाहिए। और ऐसा बहुत सारे लोग गलत करते हैं कि एक बार देख लेते हैं, एक बार देखने के बाद दोबारा भूल जाते हैं, या उसको कोई अलग से खर्चा पास करते हैं, और छोटी सी कमी होती तब भी नहीं देखना पसंद करते, बहस करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी बात क्या है, आप जब रिपेयरिंग के लाइन से जुड़े हैं तो नए नए जितने सारे टूल्स आते हैं, जो नए नए इक्विपमेंट्स आते हैं, या मोबाइल फोन संबंधित जो नई नई चीजें आती रहती हैं, तो उन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी बहुत अच्छे से रखना है। उनके माध्यम से बहुत सारी यूट्यूब में वीडियो वगैरह भी आती रहती है, तो उन वीडियो को भी वॉच करते रहे ताकि आपको नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। मिलती रहे। ठीक है, ताकि आप अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक काम कर पाए और आपको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना आए। नाउ इसमें से मैं आपको बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों से मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, जिसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मेरे पास कोर्स कंप्लीट हो गया है और वो मेरे पास प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब उनका पूरा कोर्स हो गया है, फाइनल पोजिशन पे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे रवीन जी का कोर्स कम्प्लीट हो गया, आज अपना घर जाएंगे। और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग इस लाइन में सीख रहे हैं, या बहुत ऐसे लोग हैं जो फ्रेशर हैं जिन्होंने 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गया उनको ज्वाइन करे हुए। तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए ताकि एक दूसरे को अपने नॉलेज को शेयर कर पाए। और दूसरी बात क्या, हमारे यूट्यूब के माध्यम से बहुत ऐसे लोग हैं जो वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, और वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सीखने आना चाहते हैं। मेरे पास बहुत ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं हमेशा जो कहीं पर सीख रहे होते हैं और सीखने के बाद आज वहां पर छोड़ करके मेरे पास ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। सबसे पहली बात है उनको इस कारण से विश्वास नहीं होता कि इतना ट्यूशन फीस कम है और कैसे सिखा रहे हैं। दूसरी बात क्या होता है, इस बात का नहीं विश्वास होता कि हम इन सारी चीजों को हम कैसे सीख पाएंगे। तीसरी चीज क्या है, मैं सर इस लाइन में 17-18 साल में ट्रेनिंग दे रहा हूँ, 17-18 साल से सिखा रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि हमारे पास जो भी स्टूडेंट आता है, या हमारी टीम का ये मानना है कि जो भी स्टूडेंट आता है उसे तय से तय तक उसको सिखा कर भेजते हैं। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए, आप किसी चीज को 10 बार या 1000 बार पूछे, क्योंकि हमको पता है कि आप सर मेरे पास सीखने के लिए आए, हमारा एक ही फर्ज बनता है कि हम आपको सिखा के भेजेंगे। क्योंकि जैसा हम लोग मिल करके माहौल को जनरेट करेंगे उसी तरीके से मार्केट में भी माहौल जनरेट होगा। क्योंकि स्टूडेंट हमेशा जिंदगी में अगर सबसे कहते नहीं कि आदमी एक दूसरे को कॉपी करता है, तो अगर स्टूडेंट लाइफ में अगर जिंदगी में अगर आदमी किसी को कॉपी करता है तो सबसे पहले दो चीजों को कॉपी करता है, या तो अपने फ्रेंड को कॉपी करता है या तो अपने सर को कॉपी करता है। क्या काम करता है? फ्रेंड को या बस फ्रेंड सर को को कॉपी करता है। सर को कॉपी करता है। तो फ्रेंड सर्कल में आप लोग हो जाते हो और सर के सर्कल में कहीं ना कहीं मैं हो जाता हूँ। तो हम लोग एक दूसरे को क्या काम करते हैं, कॉपी करते हैं कि कोई चीज अगर नहीं समझ में आई तो लगता है हम भी भाई सर जैसा काम करेंगे।
ठीक है। तो हम लोगों की एक विचारधारा होती है कि जो आदमी को दूसरे को देख करके ही सीखता है, जो बहुत ऐसी चीजें होती हैं। तो आप लोग धीरज जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करिए, और क्योंकि आप भी सर मेरे पास ऐसे पर्सन हैं जो जॉब को छोड़ करके और आज अपने बिजनेस की लाइन में आए हैं और अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज सिंह है और मैं कानपुर में ही रहता हूँ। और मैंने 14 साल मैंने जॉब किया, और जॉब के दौरान मुझे ये तो लगा कि मैं जॉब जो कर रहा हूँ उसका केवल एक ही मकसद है कि हैंड टू माउथ, मतलब कमाना और खाना, इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद फिर हमने डिसीजन लिया, हमने कहा शायद मतलब कुछ देखें, अपने लिए कुछ करें, कुछ अपने घर वालों के लिए कुछ ऐसा करें कि अपना बिजनेस करें जिससे कि कुछ आगे रास्ताएं खुले, कुछ करने का मौका मिले। तो हमने भाई गूगल पर सर्च किया, यूट्यूब पर सर्च किया, तो ईटेक इंस्टीट्यूट का नाम मुझे दिखा। राघवेंद्र सर से हमने बात की, फ़ोन किया, तो इन्होंने सर ने हमको पहले दिन ही मतलब फ़ोन पे ही मतलब हमारा इतना ज़्यादा हौसला अफजाई किया। उन्होंने कहा कि आप आइए हमारे पास आइए, आपको हम बताएंगे कैसे काम करना है, कैसे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। फिर इसके बाद हम आए यहाँ पे, सर से मिले, फिर इसके बाद हमने अपना यहाँ पे ज्वाइन किया, कोर्स ज्वाइन किया, सीखना शुरू किया। आज हमको करीब 70-75 दिन हो रहे हैं सीखते हुए, करीब करीब कोर्स हमारा कंप्लीट होने वाला है, हो ही चुका है, बस प्रैक्टिकल चल रहा है मेरा। तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं कुछ अपने लिए कर सकता हूँ, अपने घर वालों के लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि जिससे मेरी आने वाली फैमिली, आने वाली लाइफ जो है वो स्टेबल हो सके, मतलब हो जाएगी। क्योंकि नौकरी का तो ये मुझे पता चल गया कि नौकरी करने का कोई मतलब नहीं है। नौकरी करने का मतलब आप दूसरे के लिए कमा रहे हैं, आप दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आप छोड़ेंगे, आप जहाँ थे, जहाँ आपने शुरू किया था, आप वहीं पर फिर आ जाएंगे। तो मुझे ये लगा, मतलब ईटेक इंस्टीट्यूट के विषय में मैं बताऊँ अगर, तो यहाँ पे वाकई में मतलब यहाँ पे एकदम फ्रेंडली, मतलब यहाँ का वो है कि आप जो है कहीं भी मतलब कुछ भी पूछिए सर से, जैसे भी पूछना चाहिए और पूछिए, हर चीज़ आपको सर बताएंगे। तो हमको लगता है कि मतलब अपने यहाँ कानपुर की मैं बात करूँ अगर, तो ईटेक इंस्टीट्यूट से अच्छा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। एक तो सबसे कम फीस में सर जी सिखाते हैं आप, सबसे कम फीस पूरे कानपुर में जो है जितने भी इंस्टीट्यूट है अगर आप पता करेंगे तो सबसे कम फीस में सर के यहाँ पे मतलब कोर्स सिखाया जाता है। और मुझे नहीं लगता कि जो सर सिखाते हैं इससे भी कोई बढ़ के या कुछ इससे अच्छा कोई सिखा सकता है। तो जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब ईटेक इंस्टीट्यूट जो है वो बेस्ट है मोबाइल के। तो अगर मेरा तो यही मानना है कि भाई जो भी स्टूडेंट और भी हैं जो वीडियो देखते रहते हैं, जो सर से संपर्क करना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से या जैसे भी अपना संपर्क करके अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मतलब बेशक कर सकते हैं सर से संपर्क करके, वो अपना जो है अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं आगे। चलिए धीरे धन्यवाद। जी, बहुत 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 आपके लिए धन्यवाद। आप अच्छी तरीके से काम करें, अच्छी तरीके से सफल हों, और हमारे पास जो भी सारे स्टूडेंट होते हैं, जो भी लोग सीखने के लिए आते हैं, तो उनके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता। टाइम बाउंडेशन का मतलब क्या है कि हमने आपको 90 दिन का टाइम बताया, जो 2-3 घंटे 4 घंटे क्लास करते हैं, जो फुल डे ट्रेनिंग लेते हैं तो पूरा 45 दिन में कोर्स को कम्प्लीट कर लेते हैं। लेकिन चाहे वो फुल डे में पूरा करें, चाहे 90 दिन में पूरा करें, उसके बाद भी अगर उसको सीखने में कोई भी समय लगता है, चाहे महीने 2 महीने का ही ना समय लगे, मैं उसको सिखा के ही भेजता हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं जो लोग ऑलरेडी वीक होते हैं, किसी का इंग्लिश कमजोर होता है, किसी कारणवश कोई चीज कमजोर होती है, या किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पाया। अगर नहीं पढ़ पाया तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि उसके लाइफ में गलती हो, लेकिन अब वो इस टाइम पे ऐसी पोजिशन में खड़ा है कि गलती को सुधार करने के लिए आया है। और अभी भी अगर मेरा फर्ज है कि अगर मैंने अभी भी अगर उसके साथ में गलती को सुधार नहीं किया, अभी भी अच्छे से उसको सिखा करके नहीं भेजा, क्योंकि उसको जिंदगी में दोबारा उसको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, अब उसको सीखने का मौका नहीं मिलेगा, उसके बाद ये लास्ट चांस होता है। क्योंकि जब आदमी 18-20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद जब कोई चीज सीखने के लिए आता है, पढ़ने के लिए आता है, तो समझ लीजिए उसके जिंदगी का वो लास्ट अध्याय होता है। वो कहता है बस ये कर लेंगे, उसके बाद हम कुछ काम कर लेंगे, उसके बाद नहीं है तो फिर हम ऐसी जिंदगी करती रहेंगे, लेकिन उसके बाद से कभी लाइफ में वो पढ़ने का नहीं नहीं सोचता, सोचता, क्योंकि वो फिर अपना लास्ट उसका प्लान होता है कि चलिए ठीक है कि हम एक बार और दम लगाते हैं। कि आदमी हाई स्कूल इंटर कर लेता है और 18-19 साल की उम्र होता है, उसी में जो पढ़ाई करना होता कर लेता है, उसके बाद जब छोड़ देता है, क्योंकि अच्छा वो आदमी है जो पढ़ते रहे और लगातार पढ़ते रहे, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस आदमी के लिए बड़ी तकलीफ वाली बात होती है जो आदमी ने 2007 से पढ़ाई करी हो, 2007 के बाद सीधे 2023 में कॉम्पिटिशन पकड़ा हो,
वो बहुत बड़ी बात होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से दिल ही नहीं गवारा करता, लेकिन सिर्फ वो इसीलिए सीखता है अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए, आगे बढ़ने के लिए और अपनी जिंदगी को एक नया आयाम देने के लिए इसीलिए सीखता है। और मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, मेरे पास संदीप जी हैं। संदीप जी आइए। संदीप जी हमारे पास एक ऐसी स्टूडेंट है कि ये भी पूरा मोबाइल फोन रिपेयरिंग है, इनका भी कंप्लीट कोर्स हो गया है। और पहले इनसे पहले इनके मतलब ब्रदर थे जो अपना मेरे पास से पूरा कोर्स ली करके गए थे, और फिर सर ने इनको बताया। और संदीप जी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये भी मेरे प्रोफेशन से एक टीचर हैं, ये भी पढ़ाते हैं। इन्होंने SSC, बैंकिंग, CGL इस तरीके से बहुत सारी तैयारी कराई, इन्होंने खुद भी तैयारी करी, बच्चों को भी पढ़ाया, इनके पढ़ाए हुए बच्चे नौकरी पर लग गए। लेकिन कहते नहीं, कभी कभी किस्मत की भी बात होती है और इनको किसी कारणवश वो चीज़ हासिल नहीं हो पाई। और कहते नहीं कि उसमें भी एक समय होता है, उस समय के दौरान जब वो चीज़ नहीं मिल जाती तो अंडर ओवर एज हो जाती है, फिर आदमी को वो चीज़ नहीं हासिल हो पाती। तो जब सर मेरे पास एडमिशन के लिए आए थे तो एडमिशन कराया था, उस समय पर रोने भी लगे थे कि सर मैंने इतनी मेहनत करी लेकिन आपको नहीं मिल पाया। तो हमने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी में कभी निराश नहीं हो जाता, कभी कोई चीज़ नहीं मिलती तो उसके लिए कभी हताश नहीं हो जाता, हो सकता है कि जिंदगी में उससे कोई बेहतर चीज मिलने वाली हो जिस कारण से आपको रोक के रखा गया हो। क्योंकि APJ अब्दुल कलाम भी थे, वो भी कई बार ऐसे फेल हुए थे, लेकिन बाद में क्या था कि उन्होंने आत्महत्या करने के लिए सोचा था। उनको किसी ने, एक साधु ने ही सलाह दिया था कि कोई दिक्कत नहीं, तुमको इससे भी बड़ी चीज इंतजार कर रही है, तो उन्होंने आत्महत्या नहीं करी और बाद में आज सबसे बड़े मिसाइल मैन कहलाए गए। तो उसी तरीके से संदीप जी आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले। जी सर, मैं 9 से हूँ, मतलब रहने वाला, और करीब मैं सन 2009 से जो है SSC CGL की तैयारी कर रहा था, और मतलब कि कानपुर में भी जो है कोचिंग थी, और खुद की मेरी कोचिंग थी जिसमें मैंने करीब 8 साल पढ़ाए थे, जो मतलब जो कंपटीशन में मैथ हो गई, जो है रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गई, और काफ़ी जो मतलब बच्चे ऐसे हैं जो मतलब मेरे द्वारा जो पढ़ाए हुए हैं, जो SSC में है, रेलवे में, बैंक में है, और कोचिंग जो मुझे मतलब जो है बंद करनी पड़ी क्योंकि गांव क्षेत्र में कंपटीशन के अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं, तो जो है सारी कोचिंग अकेले ही मुझे देखना पड़ता था। तो फिर धीमे धीमे स्टूडेंट कम होने लगे, सर ही मतलब पढ़ा रहे हैं, अकेले सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं, मैनेज नहीं हो पाता था, तो फिर हमें कोचिंग अपनी जो है बंद करना पड़ा। और नौकरी करने के लिए तो बहुत लोगों ने मुझसे कहा, और हम मतलब ऐसी फैमिली से हैं कि जो मेरे बाबा वगैरह जो है विदेश में रहते थे, करीब 60 साल तक जो है मतलब रहे, आज भी हैं मेरे जो मतलब भैया लोग, चाहते तो वहाँ भी चले जाते हैं, लेकिन हम नौकरी नहीं करना चाहते, हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि हम ऐसा कोई नहीं मतलब जो काम करना चाहते हैं कि जिससे सिर्फ खुश रहें मतलब अकेले ही, आगे जो फैमिली आए उनको भी जो मतलब जो है एक अच्छा वो मिल सके। तो इसीलिए एक दिन जब आपकी हमारा मतलब कि ज़िंदगी में पहली बार CGL में मतलब ये था कि नहीं हुआ हमारा, तो फिर हम उसके तुरंत दूसरे दिन हमने जो है अचानक एकदम सोचा कि अपना कुछ ना कुछ जो है करेंगे। तो हमने गोरखपुर का एक वो देखा था वीडियो, इसका जो मतलब मोबाइल रिपेयरिंग का, तो हमने उनसे पहले बात किया, फिर हमने एक दिन जो है मतलब यही सोचा कि यार वहाँ जाने से अच्छा है कि अपने यहाँ हम मतलब कि कानपुर में जाके देखे, जो है अचानक अचानक यहाँ पर आए एक दिन। तो अब मतलब कि पहले नहीं पता था हमें यहाँ मतलब कोचिंग के बारे में, और ना ही सर के बारे में, और ना ही हमने कोई वीडियो देखा, अचानक हम यहाँ पर आ गए। तो सर से हमारी बात हुई, हमें अच्छा लगा, और हमें लगा कि नहीं है मतलब सीख जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ मतलब आने के बाद और काफ़ी जो है सर को देख के मतलब वो लगा, हौसला मिला, और बाकी माहौल तो यहाँ का अच्छा ही है, और इतनी कम फीस में जो है चिप लेवल का काम सिखाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली है, मुंबई वगैरह के भी जो है काफ़ी वीडियो देखे जिसमें 50 से 55 हज़ार रुपये न जाने क्या क्या मतलब जो है मांग रहे हैं, यहाँ 15 हज़ार रुपये में आपका चीफ लेवल का काम जो है सर करा रहे हैं एनी टाइम जो है। और हम लोग जो है मॉर्निंग से आते, कभी शाम तक रहते, कभी सर ने आज तक नहीं कहा कि आप कितना, आपके 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, आप इतनी बार पूछ रहे या क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मतलब माहौल यहाँ का एकदम बहुत बढ़िया है। आप आइए यहाँ पर और सीखिए, और सर के जैसा मिलना बहुत भाग्य की बात है। और मैं अपने के स्टूडेंट से मिलाना चाहता हूँ जो भाई और ये अयोध्या से रहने वाले हैं और ये भी बाहर जॉब करते हैं, अहमदाबाद में, अहमदाबाद में जॉब करते हैं, काफी साल हो गया जॉब करते करते। और
कितना साल हो गया जॉब करते करते तीन आपको? तीन 3 साल साल हो गए। हो गया जॉब करते करते। और मैं आपको बताऊं, कहते नहीं आदमी कुछ चीजें ऐसी होती है जो माहौल में भी सीखता है। कैसे सीखता है? माहौल से। माहौल में सीखता है। सर को और मैं सर जी, माहौल, हमने जॉब भी छोड़ा सन 2013 में, रेलवे के जो है, हमारे जो है मतलब ज्वाइनिंग हुई थी, हाँ और उसमें जो है धांधली का शिकार हो गए थे। तो जबकि हमारी ज्वाइनिंग जो है वहाँ थी अलीगढ़ में, जो खुर्जा में, उसके में मतलब सब कुछ है हमारे पास। और दरोगा में भी सर जी जो है अभी मतलब चल रहा है जो प्रोसेस। तो वही बात होती है लाइफ में, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है किस्मत का शिकार हो जाता है, जो आदमी को चीजें नहीं मिल पाती। तो सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम रमा शंकर है, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ और बाई प्रोफेशन मैं थोड़ा काम करता हूँ अहमदाबाद में। लेकिन एक दिन दिवाली के ड्यूरेशन में मेरी वैकेशन चल रही थी, शाम को मैंने एक फ़ोन था मेरे पास जिसका मैं मुझे रीसेट मारना था। तो मैं वीडियो ऐसे सर्च कर रहा था, तभी सर का मुझे एक वीडियो दिखा जो इनके मतलब बताने का तरीका उसमें ऐसा था जिससे हमें ऐसा लगे कि मैं सीख सकता हूँ मोबाइल में। हालांकि मैं काम करता हूँ उससे भी मैं सेटिस्फाई हूँ, लेकिन अभी क्या मुझे ओनर बनने की च्वाइस है। और मैं उसी एक लक्ष्य को लेके फिर मैंने तकरीबन 1 साल जैसा पिछले दिवाली से ही मैंने स्टार्ट किया वॉच करना वीडियो, और वो मैं कंटिन्यू वॉच करता रहा और मुझे काफ़ी हद तक मालूम भी है। लेकिन मुझे मेरे पास कुछ ऐसे डाउट था जिसका मुझे कभी सोल्यूशन नहीं मिला। तो एक दिन अभी दिवाली के ही थोड़ा पहले मैंने सर से बात की, तो सर ने बोला कि आ जाइए अब, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। और मैं बताता हूँ आपको, लगभग जितने मेरे क्वेश्चन थे सब मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि मुझे टाइम टू टाइम क्वेश्चन के मुझे आंसर मिल जाते हैं, सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि हर किसी के माइंड में जब आप सीख रहे हो, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं सब कुछ सीख लिया, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुझे एनी टाइम मेरा अंदर मतलब 2-3 मिनट के अंदर में मेरा क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ और मैं इतना उम्मीद करके जा रहा हूँ, जाऊँगा यहाँ से कि मैं आगे कुछ करूँगा और ओनर जरूर बनूंगा। तो ये सर के लिए मेरे पास बहुत सारी विशेष हैं और सर अच्छी तरीके से काम करें। दूसरी बात क्या है कि सर जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छी प्रोफेशन है, लेकिन अच्छी प्रोफेशन होने के साथ साथ बस यही है कि एक हमारा जुनून है कि हमारा खुद का अपना टारगेट। क्योंकि आदमी का ज़िंदगी में अपना कोई हॉबी होता है, एक जुनून होता है। जब आदमी उस जुनून और लक्ष्य को पारित कर लेता है या उसको पा जाता है, उसको हासिल कर लेता है, तो मुझे लगता है उससे अच्छी बड़ी बात कोई ज़िंदगी में नहीं नहीं होती। और उसमें से आदमी खुश भी रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन से अगर मैं जुड़ा हूं, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में अगर मैं सुबह खाना, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन से जुड़े हुए हैं, तो मेरा ये मानना है कि जितने भी सारे जो भी स्टूडेंट हैं कि उनको तो अच्छे से सिखा के भेजता हूँ। दूसरी बात, मेरा खुद का अपना जुनून है कि मैं जब इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन से जुड़ा हूँ मैं सुबह से शाम तक मोबाइल फोन रिपेयरिंग करता हूँ। सुबह 8 बजे से मेरी क्लास चालू हो जाती है और 8 बजे से क्लास चालू होने के बाद मैं कितना ही बीमार क्यों ना हूँ, लेकिन शाम को 6 बजे तक ही पूरा क्लास कंटिन्यू फ्री होती है। दूसरी बात क्या है कि हम अपने स्टूडेंट को ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट सीख करके जाए, अच्छी तरीके से सफल हो पाए। और हमारा ये मानना है कि दुनिया जान में कि हर एक आदमी के हाथ में हुनर होना चाहिए। जो आदमी नौकरी को लेकर के, पैसों को लेकर के, काम को लेकर के, सब चीजों को लेकर के परेशान है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी कहे गए हैं कि आदमी के अगर हाथ में हुनर है तो कभी जिंदगी में फेल नहीं हो सकता। दुनिया जान में मैंने देखा है, मैंने भी बड़ा एजुकेशन हासिल किया है, लेकिन शिक्षा एक ऐसे समय आती है जिस समय पर जाकर के फेल हो जाता है, लेकिन आदमी के हाथ में जो हुनर है ना, वो कभी जिंदगी में कभी फेल नहीं होता। क्यों नहीं फेल होता? क्योंकि उसकी एक ऐसी जरूरत है जो समाज में जरूरत है। जिंदगी में आदमी वही सफल हो पाता है जो आदमी समाज के लिए कोई प्रेरणा स्रोत बनता है। प्रेरणा स्रोत का मतलब होता है कुछ ऐसा काम करके दो जिसकी लोगों की जरूरत हो। सिंपल सी बात है, आप अगर सुबह शाम चाय बना रहे हो तो लोगों की चाय की जरूरत है। किसकी जरूरत है? चाय चाय की की। जरूरत है। ऐसी चीज की जरूरत है जो समाज में जिसकी जरूरत है। आदमी आप खुलता है, मुझे लगता है कि आजकल के समय पर देखा जाए आदमी सुबह शाम दिन रात चाहे रिक्शा चलाए, चाहे फोर व्हीलर चलाए, चाहे कोई भी गाड़ी चलाए, चाहे हवाई जहाज का उड़ाए, लेकिन अगर उसके पास मोबाइल फोन नहीं है तो कुछ नहीं। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, लोगों के जेबों बहुत ऐसे होते हैं कि जिनके जेब में 10 रुपए भी नहीं होते, लेकिन पर मोबाइल मोबाइल जरूर फोन में मिलेगा। पैसे होते हैं। और आदमी झोला लगा निकल लेता है, कहते चलो मुंबई जाएंगे, मोबाइल फोन है ना, पैसा दे देंगे, क्या टेंशन है। क्यों? अब पहले ऐसा होता था कि जब कहीं जाना होता था तो पहले 10 दिन पहले इंतजाम करता था, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 डाल के चलो। लेकिन आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी सारी चीजें आकर के सिर्फ मोबाइल फोन पर केंद्रित हो गए। तो
ऐसी कोई कंपनी नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं, हर एक छोटी सी छोटी चीज का एप्लीकेशन बन गया है। वो एप्लीकेशन कहाँ पर चलेगी? सिर्फ मोबाइल फोन पे। सबसे पहले आगे कंप्यूटर होता था, कंप्यूटर के बाद मोबाइल फोन होता था, लेकिन मोबाइल फोन में एक ऐसी क्रांति आई, या मोबाइल फोन में जो क्रांति लाने का सबसे बड़ा कारण है वो इंटरनेट है। क्या है? इंटरनेट जिस आदमी को इंटरनेट मिल गया, जिस दिन 5G की सर्विस अगर इंडिया के अंदर लॉन्च हो गई, उस दिन इंटरनेट की पूरी कहानी ऐसी आ जाएगी कि आदमी के लिए, समझ लीजिए, मोबाइल फोन तो छोड़ो, दुनिया जान की जितनी सारी चीजें होगी सब चीजें जेब में हो जाएंगी, हर एक चीज। तो इसीलिए क्या है, अब ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिस चीज को आदमी ले लेता है, लेने के बाद अगर खराब हो जाएगा तो उसको कभी फेंकेगा नहीं, उसको आखिरी दम तक उसको रिपेयर कराता है कि भाई ये फोन है, खराब हो गया, चलो बन जाए तो बन जाए, क्योंकि 10,000, 15,000, 20,000 की चीज है। एक मोबाइल फोन अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार खरीदा जाता है, लेकिन दसियों बार रिपेयर किया जाता है। उसको जब तक रिपेयर किया जाता है, जब तक वो फोन कोई टेक्नीशियन ठीक करने वाला ये ना बोल दे ये फोन खत्म है, तब तक कस्टमर ये खड़ा रहता है कि भाई बन जाएगा। और नया फोन लेने जाएगा तब भी बोलेगा आप बता दो, बनना तो बता दो, नया फोन खरीदू जा करके। वो इसलिए नहीं कह रहा, वो इसलिए कह रहा है कि अगर आपका बन जाएगा तो मेरे 1,500 में काम हो जाएगा, नहीं बनेगा तो मुझे 10-12-15 हज़ार का दूसरा फोन लेना पड़ेगा। और कोई भी मोबाइल फोन ऐसा नहीं है जो मोबाइल फोन दसियों साल टिक के चल सके। 3 साल में ही मोबाइल फोन खत्म हो जाता है, 1.5 साल में मोबाइल फोन खत्म हो जाता है। आदमी अपने लिए सोने की अंगूठी बनवाए, चैन बनवाए, चाहे अच्छे कपड़े खरीदे चाहे ना खरीदे, लेकिन मोबाइल फोन खरीदेगा। जब मोबाइल फोन खरीदेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा भी फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, क्योंकि हम लोग भी इसी के, कहते हैं हम उसी काम के डॉक्टर हैं जिसकी सबकी जरूरत है ना। जी तो इसीलिए क्या है कि मोबाइल फोन ऐसा है, बस हमको यहाँ से बेहतर अच्छी तरीके से सीखते ले जाना है, अच्छी तरीके से काम करके देना है। जी और मैं आपको मिलाना चाहूंगा, हमारे पास एक स्टूडेंट है जो बांदा के रहने वाले हैं, ये भी सर पहले कहीं सीखते थे लेकिन फिर मेरे पास वीडियो के माध्यम से ही ट्रेनिंग के लिए आए हैं। तो सर आप बताइए अपने बारे में। सर, मेरा नाम